हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ये भी हमारा बाई एक्सियल स्ट्रेस के ऊपर में बेस्ट न्यूमेरिकल है। इसमें हमको कैलकुलेट करने बोला है इसने स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो क्या बोले, अ स्टील फ्लैट इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। तो बाई एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस का एग्जाम्पल है द टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अलोंग कितना बोला है उसने, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब सिग्मा x along x direction sigma x, वो दिया है हमको 42 न्यूटन पर mm square, ठीक है। 42 न्यूटन पर mm square टेंसाइल है, मतलब कि पॉजिटिव है। सिग्मा x 42 न्यूटन पर mm square, ठीक है। टेंसाइल वर्ड यूज किया है इसने, ठीक है। टेंसाइल है, इट मीन्स पॉजिटिव है ये, ठीक है। देन उसके बाद में आगे क्या बोले, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अलॉन्ग y डायरेक्शन, मतलब कि सिग्मा वाई कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ द स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया था, ये सेंटेंस जो चालू हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ठीक है। वही सेंटेंस के साथ में देखो, इफ द स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन इज जीरो, मतलब किसकी बात कर रहा है ये वाई डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो y डायरेक्शन में स्ट्रेन गिवन है हमको, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारा, y डायरेक्शन में स्ट्रेन मतलब कि ey गिवन है। इवन कितना है वो, इन दैट डायरेक्शन इज जीरो, जीरो दिया है हमको, ey दिया है जीरो, ठीक है। ey जीरो, ठीक है। ey इज इक्वल टू जीरो गिवन है, ठीक है। व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन द x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन If E is equal to, given data क्या है हमको, E given है, E is 2 into 10 to power 5 Newton per mm square given है, and Poisson's ratio है 0.3 ये given है, ठीक है। तो इसको one by one calculate कर लेते, सिग्मा x and सिग्मा x given है, सिग्मा y जो है वो हमको calculate करना है, EY given है, ठीक है। तो directly हम लोग strain in y direction ले लेते, so strain in y डायरेक्शन, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन वो होता है हमारा ey इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइनस पॉइजन्स रेशियो सिग्मा x डिवाइडेड बाय e, ठीक है। यहाँ पुट अप कर देंगे आप, ey जो है, ey कितना है हमारा, ey इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन कंडीशन है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो पुट अप कर देंगे, देन सिग्मा वाई हमको पता नहीं है, वो कैलकुलेट करना है, उसको वैसे ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई कितना है हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 into 10 to power 5, ठीक है। माइनस म्यू की वैल्यू गिवन है 0.3, ये पुट अप कर देंगे 0.3 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स की वैल्यू 42 गिवन है, 42 ले लेंगे यहाँ, डिवाइडेड बाय ई इज 2 into 10 to power 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर 2 into 10 to power 5, यहाँ पर 2 into 10 to power 5 कॉमन टर्म है, इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो 0 इज इक्वल टू 1 divided by 2 into 10 to power 5 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये कॉमन निकाल लिया हमने बाहर, यहाँ क्या बचा, सिग्मा वाई माइनस, ठीक है, ये बच गया हमारा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 42, ठीक है, ये रिमेन रह गया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से ये जो टर्म है ये आपकी मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ में पूरे ब्रैकेट के साथ में ये मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में जाएगा, 0 divided by this, ठीक है। तो वो तो कैंसिल हो गया, वो जीरो आ गया हमारा, ठीक है। तो आंसर वहाँ से आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीरो इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा वाई, ठीक है, 42 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 तो आता है हमारा 12.6, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सिग्मा वाई माइनस 12.6, ठीक है। एक टर्म ध्यान में रखना है, कि ये देखो ये वाली जो टर्म है, ये पूरी टर्म, ठीक है, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, इधर जाएंगी डिवाइड में जाएंगी, जीरो से डिवाइड कर दिया, ये जीरो हो गया, ठीक है, ये टर्म जीरो हो गई पूरी, ठीक है। तो क्या हो गया, जीरो इज इक्वल टू, बस ये वाली टर्म बची, 42 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 करा तो ये आ गया हमारा जीरो इज इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस 12.6। तो सिग्मा वाई कितना हो गया हमारा, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 12.6 सिग्मा है, तो ये स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो
तो ये पॉजिटिव आंसर है, इसलिए ये हो गया हमारा टेंसाइल, ठीक है, टेंसाइल आंसर आ गया, ठीक है। देन इसके बाद में और क्या फाइंड आउट करने को बोला है हमको, ई एक्स फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है। तो ई एक्स पुटअप कर लेते हैं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो वो होता है हमारा ई एक्स, ई एक्स का क्या है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू इनटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज जो है वो पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो ई एक्स निकालना है हमको, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स गिवन है हमको, सिग्मा एक्स है 42, तो यहाँ 42 पुटअप कर देंगे, 42 देन 2 इंटू 10^5 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई, ठीक है, सिग्मा वाई कैलकुलेट किया है 12.6, देन 2 इंटू 10^5, ठीक है। तो यहाँ पुटअप करना है वैल्यूज को, इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर आता है 1.911 × 10^-4, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ये भी हमारा टेंसाइल ही है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया है इसलिए टेंसाइल है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसा भी आंसर आ सकता है आपका 0.000911, ऐसा भी आंसर आ सकता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा, 1.911 × 10^-4 या फिर 0.000911, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा ई एक्स का, ई एक्स कैलकुलेट करने बोला था हमको, और दूसरा कैलकुलेट करने बोला था उसने सिग्मा वाई, ये दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए। गिवन न्यूमेरिकल था, उसमें सिग्मा एक्स दिया था 42 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सिग्मा वाई अपने कैलकुलेट करना था कितना है, देन ई वाई कैलकुलेट करना, ई वाई जो है वो 0 दिया था, ई एक्स जो है वो कैलकुलेट करना था, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन लिया, यहाँ पे पुटअप कर दिया, ई वाई की वैल्यू 0 पुटअप कर दिया हमने, सिग्मा वाई यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। बस एक ही टर्म ध्यान में रखना है कि 1/2 × 10^5, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा 0 हो जाएगा वो, ठीक है। इतनी टर्म बची, सिग्मा वाई माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 42, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद में सिग्मा वाई का आंसर आता है 12.6, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन लिया, ई एक्स सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ई, वैल्यूज पुटअप कर दी यहाँ पर, ई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, तो आता है हमारा 0.000911, ये आंसर आ जाएगा ई एक्स का, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करके हमको आंसर जो है वो कैलकुलेट करना है।